नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ में हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। दतिया पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं SDOP सुमित अग्रवाल के मार्गदर्शन में सूचना के आधार पर दतिया से झांसी जा रही बस से चोरी की वारदातों में संलिप्त आनंद कुशवाहा नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी ने पूजा गारमेंट्स में कपड़ों की चोरी को भी स्वीकारा, साथ ही पूर्व में घटित LED टीवी की वारदात में सक्रिय था स्वीकार किया। पकड़े गए आरोपी पर अपराध धारा 379 के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया। इस संयुक्त कार्रवाई में कोतवाली TI रविंद्र गुर्जर, मनोज बाथम, आरक्षक कपिल, वाहन चालक आरक्षक कैलाश आदि की अहम भूमिका रही। दतिया से संवाददाता सुरेश बघेल की खास रिपोर्ट। कोतवाली और चिरूला पुलिस के द्वारा एक चोर आनंद कुशवाहा को पकड़ा गया है। उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा थाना कोतवाली में पूर्व में हुई दो चोरियों का खुलासा किया गया है, और उसके द्वारा जो गारमेंट की दुकान से चोरी की जाती थी रेडीमेड कपड़ों की, वो उससे बरामद हुई है, जो लगभग 80,000 रुपये की है। इसके अलावा भी अब हमारे यहाँ थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 106/21 जो था, जिसमें LED चोरी गई थी, उसमें भी इसका नामजद आरोपी था। इस आरोपी को पकड़ा गया है। तो TI कोतवाली मतलब मेरे द्वारा और चिरूला थाना प्रभारी भूमिका दुबे द्वारा और उनकी टीम के द्वारा इस चोर को पकड़ा है। इससे दो चोरियों का खुलासा हुआ है, संयुक्त कार्रवाई है और लगभग 80,000 रुपए का माल बरामद हुआ है। बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज TV खबरों की पड़ताल। नमस्कार।